हेलो गाइस, ये नया वीडियो है जिसमें हम स्पोर्ट्स का थर्ड टाइप ऑफ स्पोर्ट कंसीडर करेंगे और वो है फुटबॉल। इससे पहले मैंने टेनिस की और जो है बैडमिंटन की ऑलरेडी अपलोड कर दिए। गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप उस वीडियो को जो है वॉच करें। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। इसमें मतलब फुटबॉल में सबसे पहला हम देखेंगे कि कोर्ट और कोर्ट डायमेंशन ऑफ फुटबॉल की, फुटबॉल की जो कोर्ट डायमेंशन होती है कैसी होती है। कोर्ट जो होता है फुटबॉल कुछ इस तरह से विजिबल होगा। जब भी आप अगर कभी फुटबॉल देखने चाहोगे तो वहां पर जो है वो हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें जो है स्पेशल होती है और क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है हमें रिमेम्बर रखने के लिए, ताकि हम अपने एग्जाम में इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम उसे क्रैक कर सकें। लेट्स सी कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो ये है पेनल्टी एरिया गाइस। पेनल्टी एरिया का मतलब होता है कि ये जो ये सारा वो एरिया है जहां से पेनल्टी वगैरह खेली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है ये इस लाइन को क्या कहेंगे हम, इसे टच लाइन कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो लाइन होती है दिस वन गाइस, यहाँ पर इसे क्या कहेंगे गोल लाइन। गोल लाइन क्यों कहते हैं गाइस, यहाँ पर जो है आप देखते हो एक नेट भी जो है बनी होती है, वो नेट इसके बाहर से रहेंगे गाइस, इससे अंदर नहीं रहते हमेशा। नेट जो अगर बनी रहेगी वो कुछ इस तरह की जो भी होगी वो बाहर की तरफ बनी रहेगी, ऊपर से नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस लाइन के बाद जब क्रॉस करके बॉल चली जाती है फुटबॉल, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वहां पे गोल हो गया इसलिए, ठीक है। तो उसके ये वाला जो एरिया है कौन सा गाइस, ये वाला एरिया जो है इस एरिया को हम क्या कहेंगे गोल एरिया कहेंगे, ठीक है गाइस। और उसके बचा हुआ जो ये वाला है वो कौन सा है पेनल्टी एरिया गाइस। इस स्पॉट को क्या कहेंगे, इस स्पॉट को हम कहते हैं पेनल्टी स्पॉट, ठीक है गाइस। अच्छा, पेनल्टी स्पॉट जो होता है वो उससे जो गोल एरिया जो होता है उसका जो सॉरी गोल लाइन जो होती है गाइस उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू 11 मीटर, ठीक है। इसके बाद यहां से अगर हम देखें, यहां से जो हमारे पास पेनल्टी स्पॉट है और जो ये है यहां इस पॉइंट तक अगर हम देखें तो वो डिस्टेंस आपको कितना मिलने वाला है 9.5 मीटर रहेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं पेनल्टी जो एरिया होता है उसका जो ये वाला जो लेंथ है हमारे पास कितना है 5.5 मीटर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो ओवरऑल लेंथ ऑफ द फुटबॉल अगर हम देखें ग्राउंड का या फिर कोर्ट का तो वो कितना मिलने वाला आपको 90 to 100 मीटर होगा, 120 मीटर होगा। और अगर हम विड्थ को देखें तो वो कितने में लाई करेगा 45 to 90 के बीच में मिलेगा, ठीक है गाइस। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइन से मैंने आपको ये बता चुकी है कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गोल लाइन, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं गोल लाइन, ठीक है गाइस। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इसे क्या कहते हैं टच लाइन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि टच लाइन से बाहर अगर जाते हैं तो फाउल कंसिडर किया जाता है। इसके बाद इसे ये जो बीच है इसे क्या कहेंगे, इस मिडिल लाइन को क्या कहते हैं गाइस, इसे कहते हैं हाफ लाइन। इसे हाफ लाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है पूरे कोर्ट को जो है टू इक्वल पार्ट्स में कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं हाफ लाइन कह रहे हैं, ठीक है गाइस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि ये बीच में जो है जो सर्कल दिख रहा है आपको इसे क्या कहते हैं सेंटर सर्कल कहते हैं, क्या कहते हैं सेंटर सर्कल, बिकॉज इट लाई इन बिटवीन द ओवरऑल कोर्ट, ठीक है। जो ओवरऑल कोर्ट है हमारे पास किसका फुटबॉल का, उसके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं सेंटर सर्कल कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो हमारे पास रेडियस आपको दिख रहा होगा, ये जो रेडियस है वो कितना होगा 9.55 मीटर का रेडियस होता है इसमें। और इसके बीच में इन द मिडल देयर इज अ स्पॉट दैट इज कॉल्ड सेंटर स्पॉट। अच्छा, इसे सेंटर स्पॉट का यूज क्या होता है, यहाँ पर जब भी बिगिनिंग ऑफ द गेम होता है या रीस्टार्ट ऑफ द गेम होता है किसका फुटबॉल का, तो हमेशा बॉल कहाँ पे रखी जाती है, यहाँ पे रखी जाती है। और सबसे पहले जब बॉल को किक किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं किक ऑफ भी कहा जाता है, ये टर्मिनोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे गाइस। अच्छा, तो ये ओवरऑल आपके पास है अबाउट द जो है कोर्ट डायमेंशन ऑफ फुटबॉल गाइस। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज क्या होती है हमारी फुटबॉल में, जो कि आपके एग्जाम में जनरली जो है पूछ ली जाती है। इसमें जो है ये जो कॉर्नर्स में आपको कुछ आर्क दिख रहे हैं गाइस, इस कॉर्नर के आर्क को क्या कहते हैं हम कॉर्नर आर्क भी कहते हैं। और यहाँ से कई बार क्या होता है कॉर्नर स्ट्राइक भी किया जाता है, ठीक है, किक किया जाता है, तो कॉर्नर किक भी कहते हैं उनको। यहाँ पे वो हम आगे पढ़ेंगे जब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। इसके बाद गाइस ये जो पूरा का पूरा फील्ड होता है हमारे पास उसको कैसे कह लो आप, जो कोर्ट होता है हमारे पास फुटबॉल का उसको क्या कहते हैं थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें क्या एक होता है हमारा डिफेंडर फील्ड। डिफेंडर फील्ड का क्या मेन पर्पस होता है कि उसमें प्रोटेक्ट करना होता है किसका पोजीशन से कि वो गोल ना कर पाए किसी तरह से भी, ठीक है। इसका बीच में हमारे पास क्या होती है मिडफील्ड होती है। मिडफील्ड क्या होती है, मिडफील्ड जो है इट इज लाइक बिटवीन द डिफेंडर फील्ड एंड द फॉरवर्ड, ठीक है, या स्ट्राइक। और लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको मतलब की जो एरिया है उसको क्या करोगे फॉरवर्ड और स्ट्राइक कह दोगे, ठीक है गाइस। तो ये इसके बाद है पॉइंट्स है और साथ में इसमें जो है मतलब अबाउट फुटबॉल है। तो सबसे पहले फुटबॉल कुछ इस तरह की दिखती है, मे भी सबने ही देखी होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका सर्कमफेरेंस देख लेते हैं। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है कि जो इसका लाइन आप इसके सिर्फ ऊपर से देखोगे तो ओवरऑल जो सर्कमफेरेंस है उसे क्या कहते हैं मतलब लाइन जो है दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, इट इज लाइक बिटवीन 68 to 70 सेंटीमीटर के बीच में लाइन करेगा इसका सर्कमफेरेंस।
ठीक है गाइस। नेक्स्ट इसके बाद वेट को देख लेते हैं, तो वेट कितना होगा 410 टू 450 ग्राम के बीच में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एयर प्रेशर, इसमें कितना हो सकता है 0.1 टू 1.1 बार, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहली बात है कि फुटबॉल को कई जगह सॉकर भी कहते हैं गाइस, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में इसको फुटबॉल की जगह सॉकर भी कह देते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स इसमें कितने होते हैं गाइस, इसमें मतलब कि दो टीम होती है और दोनों में ही क्या है 11 प्लेयर्स होते हैं। वो 11 प्लेयर्स में भी क्या होता है, एक तो हमारे पास गोलकीपर होता है गाइस और 10 क्या है अदर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें कार्ड दो तरह के कार्ड इशू किए जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि एक रेड होता है और एक येलो होता है गाइस, जैसे येलो जो होता है वो क्या एक तरह की वार्निंग प्रोवाइड किया जाता है प्लेयर्स को कि मतलब नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो इस तरह की जो भी मिस्टेक उन्होंने की है। और इसके बाद अगर जो रेड है, रेड इज इक्वलेंट टू द टू येलो कार्ड, क्लियर हो गया गाइस। अगर हमारे पास एक बार जो है दो येलो कार्ड किसी भी प्लेयर को क्या हो गया इशू हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है उसे अब गेम छोड़कर जाना ही पड़ेगा, मतलब छोड़। और यहाँ पे सिर्फ उसको क्या मिली होती है, अगर एक येलो कार्ड इशू किया मतलब उसको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग प्रोवाइड की गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा और नेक्स्ट देख लेते हैं गेम की टाइमिंग को, तो गेम की टाइमिंग क्या होती है ओवरऑल, ये जो गेम होता है फुटबॉल का 90 मिनट का होता है और जो कि क्या है टू हाफ्स में डिवाइड होता है, एक 45 मिनट्स और नेक्स्ट भी 45 मिनट्स। और इसमें क्या है प्लस 15 मिनट्स का क्या मिलता है ब्रेक मिलता है जो है ड्यूरिंग द मैच, ठीक है। इसके बाद जो है इन द पेनल्टी एरिया ओनली गोल कीपर कैन होल्ड बॉल बाय हिज हैंड ओवन एज गाइस, मैंने आपको जो है पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ कोड इस तरह का होता है, मतलब फुटबॉल जो कोड होता है, और उसके बाद ये होता है हमारे पास पेनल्टी एरिया। आफ्टर दैट ये जो है हाफ लाइन होती है जो इक्वल पार्ट्स में बैठ कर देती है कोड को। तो गाइस यहाँ पर जो ये पेनल्टी एरिया होता है यहाँ पर सिर्फ एक जो गोल कीपर है वही इस फुटबॉल को हाथ में होल्ड कर सकता है, टच कर सकता है उसको हाथ से, अदरवाइज और कोई जो भी अदर प्लेयर्स होंगे वो उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन लग जाती है कि अगर आउटसाइड द गोल आउटसाइड दिस पेनल्टी एरिया, इस पेनल्टी एरिया से बाहर अगर क्या है गोल कीपर आकर बॉल टच करना चाहे तो वो भी हैंड से टच नहीं कर सकता, उसे क्या है फाउल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज इन फुटबॉल, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी गाइस, इससे मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी तरह का कोई भी पीएससी का आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको मिल ही जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देख लेते हैं सबसे पहले है ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे लिखा हो जैसे कि इट इज एन आर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग अपोनेंट, ठीक है गाइस। ये मेरी खुद की लैंग्वेज है तो आप देखोगे बुक में तो कुछ अलग ही मिल सकता है, ठीक है। मैं आपको समझा देती हूँ इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, कि जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली यहाँ पे बॉल होती है और जो जैसे मान लो यहाँ पे दो प्लेयर्स है, ठीक है, एक प्लेयर ये है और एक ये प्लेयर है, तो क्या करते हैं दूसरे कंफ्यूज करते हैं ना बॉल को, इधर घुमाते चले जाते, तो उसे क्या कहते हैं ड्रिबलिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है हैंडबॉल, हैंडबॉल क्या होता है गाइस, इसमें क्या है कि अगर हमारा क्या है कि बॉल जो है फुटबॉल जो है अगर किसी की पाम है ना हाथ हथेली देखी होगी वो पाम से है एल्बो से टच हो जाए फॉरहैंड से या हैंड से टच हो जाए तो उसे क्या कहते थे हैंडबॉल कह देते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो हमारे पास फुटबॉल की टर्मिनोलॉजी है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन गाइस, सब्स्टिट्यूशन से सबको ही पता होगा क्योंकि हम जो है मोस्टली अपने क्रिकेट में भी देखते हैं, वहां पे सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि किसी कोई प्लेयर की जगह कोई और ले ले, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको बताया लेकिन नंबर ऑफ प्लेयर्स दोनों खेलते वक्त कितने होते हैं, अलग अलग प्लेयर्स होते हैं उसमें से एक जो है गोलकीपर होता है बाकी 10 जो है अदर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे ही बोला जाता है कि 18 प्लेयर्स होते हैं, तो हमारा बाकी जो बचे हुए हैं वो सब्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं चले जाते होंगे, तो बस चल गए सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि चेंजिंग द प्लेयर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक किक ऑफ है, किक ऑफ क्या होता है गाइस, जब भी कभी मैंने आपको जब कोर्ट समझाई थी उस टाइप मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए ये बर्बर्स क्या है कोर्ट है और इसके बाद ये उसमें मतलब जो है ये हाफ हैंड होती है, हाफ हैंड के बाद यहाँ पे क्या होता है सेंटर सर्कल होता है वो भी बता देना आपको, तो उसके जो मिडल में यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है सेंटर स्पॉट होता है, तो जब भी कभी क्या है गेम स्टार्ट हो या रीस्टार्ट हो तो यहाँ पर बॉल रखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर बॉल रखी जाती है फिर किक करते हैं उसको क्या कहते हैं किक ऑफ कर देते, इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे कि टाइम विन मैच बिगिन और रीस्टार्ट, आई होप यू गॉट माय पॉइंट गाइस। इसके बाद हमारे पास है फॉरवर्ड गाइस, फॉरवर्ड क्या है कि फॉरवर्ड हम कहते हैं कि आप कह सकते हो कि जिनका पर्पस क्या है, अटैकर भी कह सकते हो जो कि मतलब सिर्फ गोल उनका करना पर्पस होता है, ठीक है। बैक इसका क्या है वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा का मतलब क्या उल्टा, मतलब यहाँ पर अगर इनका मेन पर्पस क्या है कि अटैक करना तो यहाँ पे क्या है ये प्रोटेक्ट करेंगे कि गोल किसी भी तरह से क्या डिफेंडर है एक तरह के, और ये क्या करेंगे इनका मेन पर्पस है कि किसी तरह से भी गोल करना हो, ठीक है। गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं स्टॉपेज टाइम क्या होता है, स्टॉपेज टाइम क्या है ये क्या एट द एंड ऑफ द गेम जो होता है उसमें ये टाइम ऐड हो जाता है
और ये एड मतलब ये टाइम स्टॉपेज टाइम इसको इसलिए कहते हैं, फिर ये इस तरह से आकर हो सकता है कि जब कोई इंजरी वगैरह हो जाए किसी प्लेयर को तो उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद होता है एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम कब दिया जाता है गाइस, कि ये भी क्या है, एट द एंड ऑफ द गेम ही इसको इंक्लूड किया जाता है इस टाइम को। और गाइस ये जो है बेसिकली मान लो कि ड्यूरिंग द मैच किसी जो टीम है उसने एक भी क्या किया है गोल मतलब किया ही नहीं है, तो उस टाइम पे क्या है एक्स्ट्रा टाइम को प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो है बैक हील। गाइस बैक हील का मतलब क्या है, ये मतलब क्या है कि जब मान लो कि कोई प्लेयर है और कुछ इस तरह से मान लो ये हमारे पास एक प्लेयर है और ये उसका लेग है, लेग वो बैक करके क्या करता है, आपने देखा होगा जनरली जब भी अगर अपने फुटबॉल थोड़ा भी देखा हो तो अपने जो बॉल है वो क्या है अपने उल्टे पैर से मार रहा होता है ना, तो इसे क्या कहते हैं बैक हील कहते हैं, ठीक है। फिर सर वो क्या कहते हैं किक कर रहा है लेकिन बैक मतलब लेग अपने जो लेग है उसे उल्टा करके फिर से मार रहा है, तो उसे कहते हैं बैक हील कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह देते हैं कि बेंडिंग द बॉल। बेंडिंग द बॉल का मतलब क्या है कि हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास क्या है पेनल्टी मतलब यहाँ पे वो है ना हमारे पास गोल वाला है, गोल लाइन है और यहाँ पे गोल करना है, तो अब क्या है कि यहाँ पर कहीं पे कोई प्लेयर खड़ा है और वो अगर बॉल मारता है वो क्या है इसको एक कर्व प्रोवाइड कर दे, कर्व करके यहाँ पर अगर वो गोल होता है तो मतलब बॉल जाती तो उसे क्या कह देते हैं बेंडिंग द बॉल कह देते, क्लियर हो गया। इसकी मान लो यहाँ पे प्लेयर खड़ा है और वो अपने मतलब कि अपने लेग से क्या कर रहा है किक कर रहा है और वो बॉल क्या ऐसे कर्व जाके अगर वो बॉल हो रहा होता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, फिर बेंड होके जा रही है बॉल तो उसे क्या कह रहे हैं बेंडिंग द बॉल कह देते हैं। इसके बाद हमारे पास है साइकिल किक। ये मतलब ये हर एक प्लेयर के लिए इजी नहीं है कि सबके सब कोई भी जनरल अगर प्लेयर होगा वो किक बाइसाइकिल किक या बेंडिंग किक आराम से कर देगा, नहीं, ठीक है। तो गाइस इसके लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बेंडिंग के लिए कि आगे खड़ा है, ठीक है, ये प्लेयर है और वो क्या है उसका फेस इस साइड को, इस साइड देख रहा है, इस साइड को देख रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा पहले तो थोड़ा सा उसको क्या है मतलब उछालेगा उसको, ठीक है, ऊपर जंप करवाएगा और फिर वो ओवर द हेड जाके और फिर इसके बाद क्या बैक टर्न करके जाना है, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या स्लाइटली बेंड हो जाता है उसकी पोजिशन कुछ इस तरह की जाती है बैंड होने के बाद ऐसे मार के और फिर ऐसी किक जा रही होती है, क्लियर होगा गाइस। तो ये इस तरह से होता है, तो इस तरीके क्या है हमारे पास बाइसाइकिल किक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है कॉर्नर किक। कॉर्नर किक में क्या होता है कि मान लो ये हमारे पास क्या है कोर्ट है और यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चार जो है आर्क बने होते हैं कॉर्नर आर्क, और मैंने बताया था कि यहाँ पे जब किक यहाँ से जब बॉल को किक किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं कॉर्नर किक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉर्नर किक के भी काफी टाइप्स है जैसे इन स्विंग है आउट स्विंग और भी काफी सारे होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है डायरेक्ट फ्री किक। डायरेक्ट फ्री किक में हमने लिखा क्या है अ किक अवॉर्डेड टू एन अपोजिशन प्लेयर व्हेन प्लेयर हैज कमिटेड अ फाउल, ठीक है, कि अगर मान लो कोई फाउल कमिट किया गया है किसी प्लेयर के थ्रू तो उसका जो अपोजिशन होगा उसको क्या किया जाएगा एक किक फ्री किक प्रोवाइड किया जाएगा। और ये बात आपको याद रखनी है इसमें कि ये जैसे कि हमारे पास क्या पेनल्टी एरिया है यहाँ से कहीं जहां से भी उसने पहले क्या फाउल उसका अकल हुआ था तो जिस पोजीशन से भी फाउल अकल हुआ था दोबारा बॉल वहीं जला के रखी जाएगी। उसके बाद क्या है कि जो रेफरी है उसको क्या करेगा एक फ्री किक डायरेक्ट फ्री किक का मतलब क्या है यहाँ पर क्या वो एक बार भी ऐसा नहीं किक मिलाएगा यहीं से डायरेक्ट मारेगा बॉल क्या हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से रखा उसने सीधे ही उसको किक कर देगा तो उसे क्या कहते हैं डायरेक्ट फ्री किक कह देते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद होता है डमी रन। डमी रन का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है हमारे सेंटर जो है सर्कल होता है सेंटर सर्कल के बाद की यहाँ पर यहाँ पर जो हमारे पास प्लेयर्स खड़े हैं और यहाँ पे सिर्फ एक तरीके का कहते हैं चकमा देना कि ये यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं ये लोग यहाँ पर जो प्लेयर इसके डिफेंडर खड़े थे वो क्या कर रहे हैं इधर उधर मूव कर जा रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने स्पेस दे दिया वो ये जस्ट की ताकि वो बॉल इधर मारे और ये इसको क्या कर ले वहां से होल्ड कर ले करके उसको या फिर जो है रिटेलिएट कर सके बॉल को, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं डंपिंग रन कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फाउल। फाउल का मतलब क्या है कि एनी इलीगल प्ले किसी तरह का भी गलत तरीका खेलना उसको क्या कहते हो गया जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जो है लाइन होती है और इस लाइन से बाहर जाएंगे तो क्या हो गया इलीगल है या फिर जब उनको येलो कार्ड और इस तरह का होता है तो वो फाउल कंसिडर कर दिया जाता है जब भी उनको इस तरह के कार्ड वगैरह फाउल की वजह से उनको ये कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, दिए जाते हैं। तो ये सारा कुछ था टर्मिनोलॉजी के अंदर गाइस। तो आई होप कि आपको ये सारा सा जो भी मैंने आज समझाया है तो आपको समझ में आएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है अभी बचा हुआ है काफी पोर्शन जैसे कि इसकी हिस्ट्री है मेन प्लेयर्स कौन से हैं अभी तक इस 2019 में कौन कौन से जो है गेम्स खेल चुके हैं उसके बाद कौन कौन से अवार्ड से रिलेटेड है काफी सारा है तो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे गाइस। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए चैनल मेरा सब्सक्राइब करिए गाइस। आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कोई मिस्टेक लगती है या फिर किसी तरह को कुछ और भी आपने पूछना कुछ ना समझ में आया तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।